राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मुझ पर अपनी कृपा वैसे ऐसे ही बनाए रखिए जैसे आपने आज बना रखी है। मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं भी आगे तक जा सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज मुझे बनानी सुबह के बज रहे हैं 8:15 और मुझे बनानी है लंच। लंच में बन रहे हैं आज दाल वाले पराठे, घोड़े की सब्जी और मीठे चावल। तो आज लंच में यही बनेगा, तो मैं बनाती हूँ। और सुबह का मेरा क्लीनिंग वाला काम हो चुका है और क्लीनिंग का और चाय वगैरह मैंने पी लिया है। अब बस मुझे किचन में जाना है, किचन का काम भी देखना है। बस अब चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं कोहड़ा आलू को काट के रख लिया। हम लोग कोहड़ा ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कद्दू भी बोलते हैं, गोल कद्दू, तो हमारे यहाँ तो लोग कोहड़ा ही बोलते हैं। और ये जो सब्जी होती है ना, ये पूजा पाठ में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। आज कोई त्यौहार तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों आज मन हुआ मेरा कोहड़े की सब्जी और बखीर और क्या कहते हैं आपका दाल वाली पूड़ी, ये बनाने का मेरा बहुत अधिक मन किया। तो मैंने आज बना ही लिया, बिना कोई त्यौहार का भी मन करता है कुछ स्पेशल बनाने का। और मेरे हस्बैंड जी को ये दाल वाली पूड़ी, कोड़े की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उनकी फरमाइश को दिमाग में रखते हुए मैंने बनाया। और देखिए, मैंने कुकर को गैस पर चढ़ा दिया, ये गर्म हो जाए। और दाल, चने की दाल मैंने एक रात पहले भिगा कर रख दी थी कि सबको दाल की पूड़ी हो जाएगी। ये देखिए, दाल को अच्छे धो लेते हैं, धो के साफ़ कर लेते 2 से 3 पानी। और मैंने कुकर रख दिया गर्म होने के लिए, जब से ये गर्म हो तब तक मेरा ये काम भी हो जाए। दाल को धो लिया है मैंने और अब थोड़ा तेल डाल देते हैं। देखिए, अभी पानी था कुकर में, तो अब इसमें तेल डाल देते हैं। चेक कर रही थी पानी अभी तो नहीं है ना। अब तेल गर्म हो जाए तो इसमें सूखा मिर्चा, ज़ीरा, हींग और हल्दी से छौंक लगा देते हैं। ये देखिए, जीरा में डाल दिया पहले ही, अभी सूखा मिर्चा डाल देते हैं और इसमें हल्दी डाल देते हैं। ये देखिए, हल्दी डालने के बाद अब इसमें हम अपनी इसको अच्छे से अब थोड़ा सा तड़कने देते हैं, ज़ीरा और सूखे मिर्ची को। उसके बाद अब चने की दाल, ये दाल चने की है, चने की दाल ही भिगाई जाती है पूड़ियों के लिए। इसको डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक अच्छी से धीमी आंच पे भूनना है। फ्रेंड्स, भूनने से ये जो दाल की पूड़ी है काफ़ी टेस्टी बनती है। नमक भी ऐड कर देते हैं स्वाद के हिसाब से अपने। इनको डाल के धीमी धीमी आँच में 5 से 7 मिनट तक मैं भूनूँगी और उसके बाद ही मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। भूनने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्वाद फ्रेंड्स इसमें आता है, तो भूनना बहुत ज़रूरी है, पर आंच को आप धीमी ही रखिएगा। और दूसरा, मैं चावल भिगा कर रखे हुए थे, बखीर बनेंगे। बखीर मतलब गाढ़ी सी खीर होती है, एकदम गाढ़ी वाली खीर बन जाती है, इसको हम बखीर ही बोलते हैं। ये देखिए, दूध में मैंने चावल डाल दिया। दाल के प्रसाद जो मीठे वाले चावल होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे आदित्य को बहुत पसंद है ये मीठे चावल, एकदम गाढ़ी वाली जो खीर होती है बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चे को है। तो उसकी फरमाइश को माइंड में रखते हुए कि वो सुबह ही खाना ढंग से खाता है, तो मैं सोचती हूँ मैं उसको क्या बना कर खिला दूँ। आदित्य को, हर्ष को, मेरे बहुत पसंद है ये मीठे चावल। ये देखिए, दूध वाली हमारी खीर बन रही है और यहाँ बन रहे हैं। दाल को मैंने छौंक लगा दिया है, अब देखिए ये हल्के से ये पक गए हैं अभी, तो इसको ढक के रख देते हैं। और इसी तरफ दूसरे बर्नल को मैंने चेंज कर लिया है और कढ़ाई गैस पर रख दी है। और मिर्चा अदरक को ग्रेट करके अब सब्जी छौंकने की बारी हो रही है। और यहाँ मैं मिर्चा अदरक को ग्रेट कर रही हूँ। देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। और फ्रेंड्स, कढ़ाई को आप जब गर्म हो जाओ इसके बाद ही तेल डाला करिए, इससे कढ़ाई जल्दी जलेगी नहीं और आराम से एकदम साफ़ भी हो जाएगी। ये देखिए, दाल जो हमारी है ये हल्की से भून चुकी है, अब मैं इसमें पानी भी ऐड कर देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ढक्कन लगा दिया मैंने इसमें। अब पचफोरन और हींग का तड़का लगा दिया है मैंने सब्जी में। और अब इसमें डालते हैं मिर्चा अदरक भी। और मिर्चा अदरक डालने के बाद इसको अच्छे से ब्राउन करना है, एकदम धीमी धीमी आंच में एकदम अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने से सब्जियों का जो स्वाद होता है काफ़ी फ्रेंड्स अच्छा आता है। कभी भी आप मिर्चा अदरक डाल के तुरंत सब्जी मत डाला करिए, इसको अच्छे से भून लिया करिए। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर से चना भी डाल देते हैं। ये चना भीगे हुए चने हैं, तो इनको भी डाल देते हैं। और छोटे किसी बर्तन ढकिएगा, जल्दी से ये स्टीम होना शुरू हो जाते हैं, सब्जियाँ क्विकली एकदम पक जाती हैं।
थोड़ी सी भुन जाने के बाद इसमें मैंने टमाटर 1 को डाल दिया, और ये जो बड़ियाँ होती हैं उड़द दाल की बड़ियाँ, अब इसको भी डाल देते हैं। और ये देखिए, और दाल मेरा पक के तैयार हो गया है। इनको आप कुकर से खोल लेते हैं, और मैं चेक कर रही थी कि दाल हुए हैं कि नहीं, पर दाल हो चुके थे। कुकर से निकाल लेते, ठंडा होने के बाद इनको हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम जाके सिलबट्टे पर पीस लेंगे। आज मैंने गेहूं भी डाले हुए हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आज गेहूं में धुल के डाले हुए हैं, धुल के साफ कर रहे हैं। मौसम तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली रही है, तो गेहूं में धुल के डाल दिया मैंने आज दोपहर में। और आज मैं खूब सोई हूँ, खूब 4 घंटा मैं खूब सोई थी। कपड़ों वाला काम तो था, पर मेरा मन नहीं किया धुलने का। अब कल सुबह मॉर्निंग उठ के जल्दी कपड़े को धुलने के लिए मशीन में डाल दूँगी। और बस फ्रेंड्स, आज मेरा मन थोड़ा दुखी है कुछ बात को लेके। देखिए, सबसे तकलीफ इंसान को तब होती है जब किसी अपने ने उसका दिल दुखाया हो, किसी की बातें। कहते ना कि अगर परायों की बातों को उतना लेके नहीं चलते, वो तो अपने नहीं है। लेकिन अगर किसी अपने की बात को थोड़ा सा मन में किसी बात को तकलीफ़ हो जाती है तो जल्दी मन से बाहर निकलती नहीं है। और मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा कुछ है, मैं थोड़ी पागल टाइप की हूँ आप कह सकते हैं, कोई कोई बात ऐसी जाती है जो मेरे मन से बाहर निकलती ही नहीं। मैं लाख कोशिश को ना कर लूँ, कोशिश को मैं बहुत घुराने की कोशिश की इस बात को, मैं बता नहीं पाऊँगी आपको अभी यहाँ पर। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, अगर आप आज हमारे घर फाइनली एसी आ गया है, तो भैया तिनका तिनका जोड़ के हमने ये भी प्रबंध कर लिया। दिन भर बच्चे वहाँ पे दुकान में गर्मी में काम करते हैं, और रात में अगर तुमको अच्छी नींद में ना मिले तो फिर सब बेकार है मेहनत करना। तो भैया अच्छी नींद तो होनी ही चाहिए, तो इसी को माइंड में रखते हुए, मद्देनज़र करते हुए, कहते हैं ना आप, कहते हैं बोलते बोलते जो संस्कृत कहाँ से बोलना शुरू कर देती है। मेरी बेटिया कहती मम्मी तुम शुद्ध हिंदी कैसे बोलना शुरू कर देती हो। तो बस मेरी आदत है, आदत धीरे धीरे ही जाती है। खैर, जो हुआ सो हुआ, फाइनली हमारा एसी आ चुका है। अब 2 दिन के बाद भैया लोग आएंगे, मिस्त्री भैया, और एसी लगाएंगे। सेकंड वाले फ्लोर में जिन वो रहते हैं उसी में लगाऊंगी। और 1 टन का मेरा एसी है, बीच वाले रूम के लिए वो एकदम सही है। हम लोग सब लोग एक रूम में ही सो जाया करेंगे। तो भैया तिंका जोड़ के हमने एसी भी ख़रीद लिया इंस्टॉलमेंट पे, झूठ नहीं बोलूँगी। काफ़ी चीज़ें हमारे इंस्टॉलमेंट पर ही आती हैं, और ठीक भी रहता है, अपना धीरे धीरे किस्तें भरी जाती हैं, वो भी हो जाएगा। फिलहाल एसी 2 दिन के बाद हमारा लग जाएगा। ये हमारे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारा एसी आ चुका है। तो बस भगवान से मैं यही मनाती हूँ कि जिस तरह से आपने सपने मुझे दिखाए, और देखिए शाम का वक्त है, और ये देखिए ये कैमरा फोकस हो रहा है कि नहीं, ये देखिए एकदम शाम की, जब धुल वेला कहते हैं ना, एकदम शाम की वेला, सूरज का डूबना और सूरज का निकलना दोनों ही कितना अच्छा लगता है। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस भगवान अस्त हो रहे हैं, और आज का एक और दिन भी छिपने वाला है। तो बस चलते हैं, गेहूं उठाते हैं, और चाय वाय मैंने पी लिया। मुझे अपने बाल बाल भी गुथरे हैं, मन नहीं कर रहा है, गुथेंगे। ये बाल देखिए, मैंने बालों में एलोवेरा लगाया था। एलोवेरा लगा के मैं तुरंत शैम्पू कभी भी नहीं करती, तो बस कल मैं अपना बाल में शैम्पू भी करूँगी,
और आज बाल में अच्छी वाली एकदम ऑयलिंग भी करूँगी। तो फिलहाल चलते हैं नीचे और गेहूं उठाते हैं, उसके बाद चलते हैं। लल्ला लल्ला यार देखो बाबू, अरे बाबी, अरे कहाँ जा रहे हो? वो कहाँ जा रहे हो? ए सोना ये देखो, कहाँ कहाँ की तैयारी? बेचारा के जहाँ केला था देख ला। क्या गाड़ी है, वाह भाई वाह। ऐसे कर दो, फ्लाइंग कर दो, फ्लाइंग कर दो। लल्ला कहाँ जा रही हो? फ्लाइंग कर दो अब, फ्लाइंग कर दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव कर दो बाबू, करो। नहीं 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 नहीं, अभी गाड़ी नया नया मिला है। नहीं 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 नहीं, पानी भी चल रहे थे। हाँ। तो बाय बाय, पढ़ाओ जा रही हो? कहाँ जा रहे हो? चलाइए चलाइए, कि फ्रेंड्स पापा और भैया आ गए हैं। ओवर एक्टिंग का 50 रुपए कट। ये सब्जी रखने के लिए आया, हटाओ उसमें से। तो गाइज यही आया है एसी हमारे घर में, ये देख लीजिए आप लोग कैसा लग रहा है। अभी ओपन करेंगे इसका, अभी नहीं लगेगा, जब ये बनाने वाले आएंगे, सॉरी लगाने वाले आएंगे तब तब इसे ओपन करेंगे। अभी हम नहीं ओपन करेंगे है ना, क्या पता वो खराब हो जाए तब, मतलब टूट फूट जाए तब। मम्मी कैसी खुशी हो रही है? बहुत 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 खुशी हो रही है भैया, मेरा नया चीज आया, खुशी किसको नहीं होगी। अब ऐसी पूजा होगी, पापा आए हैं प्रसाद लेके, तो फिर पूजा की जाएगी। वो पापा मेरे हैं क्या तुम्हारे हैं? पापा तुम्हारे हैं जी। तो पापा तुम क्यों बोलती हो? पापा आए हैं मिठाई लेके, प्रसाद लेके, पूजा होगी इसकी। सो गाइस इस बार गर्मी हम कूलर के साथ नहीं बिता करके हम इसके साथ बिताएंगे। सबके हाथों का रंग चला गया पर इसके हाथों का रंग नहीं गया। अपना हाथ दिखाओ। मेरे मोबाइल का भी नहीं गया ना, इसके हाथ का ही गया है मोबाइल का रंग। पीका पूजा होने वाला है घर में, एसी ऐसी ही कूलर कूलिंग बनाए रखना। ओ कूलर देव दादा, जब कूलर अरे कूलर गैस वाली है, एसी मेल या फीमेल है? ये बोल है क्या, स्पीडी से क्या बाबा? इस पापा की हंसी, अंशिका बोलते पापा हंस क्यों रही है? अब इसको लेने के बाद हंसी रहेगी इंसान की? पापा की हंसी गुल हो चुकी है। गर्मी का आनंद उठाया जाएगा। इस ब्लॉग में एक एंड करते हैं, मेरा बेटा पापा की गर्मी खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करो यार, कर क्यों नहीं रहे हो? करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।